मेरे पास एक सीट है, देख रहे हैं गाइस ये क्या है, सीट है, ध्यान देना, इसे देख रहे हो, ये सीट है, क्या है सीट देख रहे हो, इसको उन्नति आसान का सीट है, ठीक है देख लो, इसको मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि इसका क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, देखो यार देखो इसका यूज भी समझ में आ जाएगा। ये है सीट, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर मोबाइल रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ये मेरा आईफोन है रखता हूँ, देखो क्या हो गया, गिर गया, अगर तुम चलोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है इतना गिर गया, लो अब इवन इवन देखो मोबाइल को छोड़ो, इवन यहाँ पर मेरे हाथ में क्या है, लेंस है, लेंस है, लो लेंस से गिर गया, लेकिन इसी की जगह पे ध्यान दे, यही सीट को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से ले लिया, ओके गाइस देख पा रहे हो, गाइस देख पा रहे हो, ऐसे उसी सीट को मैंने इसको इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, बेंड कर दिया, बेंड कर दिया, ओके क्या कर दिया, अब मैं इसको रखता हूँ ऐसे, ऐसे रख दिया, अब उसका देखो गिर रहा है, देखो देखो ये क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म रख देता हूँ, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, इवन तो हटा के अकल लगाएंगे थोड़ा सा, इतना इस सीट का इतना स्ट्रांग होना देंगे क्या, ओके अच्छा देखते हैं, लो टिका दिए, देखो टिका दिए, थैंक यू थैंक यू, क्या रीजन जानते हो, तो एस्बेस्टस का जो आकार होता है देखो कि इसी शेप में होता है, तो हम इससे पूछे हैं कि एस्बेस्टस का आकार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बोले सर ओके इसका आकार ऐसा क्यों, एस्बेस्टस का आकार इसलिए ऐसा है क्योंकि पानी गिरेगा, ऐसा नहीं है ऐसे भी रहता, स्लोप सिप टाइप का भी रहता है, सिप टाइप का भी रहता तब भी पानी गिरता, ऐसा तो थोड़ा स्लोप में डाल देता है, स्लोप में रखा भी जाता है, पानी गिरने के लिए स्लोप में रखा भी जाता है, उसको नहीं रखा जाता है हल्का स्लोप करके सूख जाता है, लेकिन रीजन पानी नहीं है, रीजन है भार को सहना, क्योंकि इसका स्ट्रेस पॉइंट ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है ओके, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इससे क्या होता है कि कोई गिरेगा नहीं, ऊपर चढ़ेगा तो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं ओके, और कई जगह ज्यादा भार को वेट को सहन कर सकता है, अकेला सहन नहीं कर सकता वो, ये था साइंस इसके पीछे, समझाया क्लियर, चलो थैंक यू।